इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा बेस्ट टीवी इन इंडिया 2021 43 वन इन साइज में और यह वीडियो काफी लंबा है अप्रॉक्सिमेटली 45 फाइव मिनट एंड आई अंडरस्टैंड कि अगर आपको 25,000 से लेके 70,000 तक का एक टीवी खरीदना है तो आप इतना लंबा वीडियो देखने वाले नहीं हैं इसीलिए मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टाइम स्टैम्प दी है जिसे आप यूज करके इस वीडियो के अंदर वो वाला पोर्शन देख सकते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है या आप चाहें तो इस पूरे वीडियो को देख के एक बेस्ट टीवी खरीद सकते हैं हेलो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल वी वन मेरा नाम है विनीत और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आज की डेट तक यानी सितंबर ट्वेंटी तक के बेस्ट टीवी दैट यू कैन बाय इन इंडिया इन फोर्टी इन साइज दोस्तों ये स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं है तो उससे आपको क्या फर्क पड़ता है आपको क्या जरूरत है किसी भी प्रोडक्ट के प्रोज एंड कॉन्स जानने की यानी खूबियां और खामियां जानने की जरूरत है दोस्तों आपको आपके पैसे की पूरी वर्थ दिलाने के लिए मैंने इतने सारे टीवीज का कंपैरिजन किया है इनमें से कई टीवीज की मैंने अनबॉक्सिंग और रिव्यू ऑलरेडी अपने चैनल पे किया है और जिनका नहीं किया उन्हें मैंने दुकानों पे जा जाके टेस्ट करके चेक करके उसके बाद आपको अपने ऑब्जर्वेशन दी है इस वीडियो को जब आप देखें तो बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूं बीच बीच में क्योंकि वो ही आपके लिए जानना सबसे ज्यादा जरूरी है और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो मेरी अफिलियट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे उसे क्लिक करके अगर आप कोई भी परचेस करेंगे तो बिना आपके प्राइस को जरा सा भी चेंज करे हुए हमारी इस चैनल की फाइनेंशियली बहुत ज्यादा मदद होगी चाहे आप आज खरीदें चाहे कभी भी लेकिन अगर आपको बाद में टीवी खरीदना है तो आपको मेरी टीवी की अफिलियट लिंक्स वाली रेकमेंडेड लिस्ट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी उसे भी प्लीज डाउनलोड करके अपने पास रखिए आपकी छोटी सी मदद इस चैनल को आगे चलाती रहेगी सबसे पहले बात करते हैं हम फोर्टी थ्री साइज में आने वाले फुल एच टीवी के बारे में और वो भी बजट रेंज के और इस रेंज के अंदर मेरी ऑप्शन हैं मी टी होराइजन रेडमी नोकिया TV, सैन्यो का TV, Onida ओनिडा फायर Hisense हाईसेंस फुल एच डी Full HD फुल एच डी टी वी आई फैल्किन का फुल एच डी और Realme TV। और इन सभी TVs के अंदर से मेरी अपनी पर्सनल चॉइस होगी नोकिया फुल एच डी टी वी ये टीवी आता है फुल एच डी रेजोल्यूशन और 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ साथ और आपको इसमें मिलता है 8 बिट पैनल जिसकी पीक HDR ब्राइटनेस चली जाती है 325 निट्स तक और इस टीवी के अंदर आपको स्टैटिक स्टार्टिकॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलती है थ्री थाउजेंड इज टू वन की इस टीवी के अंदर एक स्पेशल फीचर है माइक्रो डिमिंग का और उसके फाइव हंड्रेड ट्वेल्व डिमिंग जोन भी हैं विच इज अ वेरी गुड थिंग और इस टीवी के अंदर आपको डॉल्बी विजन की सपोर्ट भी देखने को मिल रही है जो आपको फुल एच डी टीवीज के अंदर देखने को जनरली नहीं मिलती दैट इज वाई दिस टीवी मेक्स इट टू द टॉप सीपीयू और जीपीयू, रैम स्टोरेज और कनेक्टिविटी ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पे इस समय देख सकते हैं लेकिन जो फीचर नोकिया टीवी को स्टैंड आउट करता है बाकी सब 43 इंच के फुल एच डी से वो है इसकी ऑडियो ऑप्शन यानी इस टीवी के अंदर आपको इनबिल्ड साउंड बार मिलेगी 39 नाइन वॉट की, की और वो काफी अच्छा साउंड करती है इन कंपैरिजन टू ऑल अदर टीवी आपको 20 वॉट की ऑडियो सुनने को मिलेगी इसलिए ये टीवी एक कंपेलिंग ऑप्शन बन जाता है इस बजट और इस प्राइस रेंज में नोकिया आपको देता है वन ईयर की कॉम्प्रहेंसिव वारंटी इस टीवी पे और इस समय जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं टीवी का प्राइस है थर्टी थाउजेंड रुपीज लेकिन आप इसे सेल के दौरान खरीद पाएंगे अप्रॉक्सिमेटली ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज का और उसके ऊपर आपको कार्ड ऑफर्स भी मिलेंगे अब बात करते हैं इस टीवी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में ये एक अच्छा टीवी है वी पैनल के साथ आता है इसके अंदर माइक्रो डिमिंग फीचर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी कुछ ना होने से कुछ होना ज्यादा अच्छा है बाकी फुल एच डी के अंदर आपको माइक्रो डिमिंग फीचर देखने को नहीं मिलेगा टीवी में मिल रहा है वो कॉन्ट्रास्ट रेशो अच्छी होने के साथ साथ एक एडेड एडवांटेज है और आपको ब्लैक्स टीवी में ज्यादा बेहतर दिखेंगे बाकी फुल एच डी टीवी से इस टीवी के अंदर ब्राइटनेस भी कम नहीं है थ्री ट्वेंटी फाइव मिनट्स लेकिन अब हम बात करते हैं कुछ कॉन्स के बारे में थ्री ट्वेंटी फाइव मिनट एंड डॉल्बी विजन सपोर्ट आई डोंट थिंक सो डॉल्बी विजन आपको कॉन्टेंट वो डॉलबी विजन देखने को नहीं मिलेगा जो एक्चुअली में आपको 400 या 500 हंड्रेड निट्स के ऊपर देखने को मिलता है इसलिए डू नॉट एक्सपेक्ट द स्काई फ्रॉम दिस टीवी और बहुत ज़्यादा अपनी एक्सपेक्टेशंस ना रखें इसके प्रोज में एक और अच्छी चीज़ है कि इस टीवी की अपस्केलिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है आपको एसडी और एचडी चैनल्स इस टीवी में काफ़ी अच्छे से देखने को मिलेंगे वो किसी भी फुल एच डी टीवी के अंदर बहुत अच्छे से देखने को मिलते हैं बट दिस टीवी बिकॉज ऑफ गुड ब्राइटनेस आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी भी देता है इसलिए इसके लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं इसे आप जरूर चेक करें और आपको याद है कि मैंने आपको बताया था टीवी की लिस्ट वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगी अब हम बात करते हैं नोकिया टीवी की ऑल्टरनेट ऑप्शन की और मैं आपको एक की जगह दो ऑल्टरनेट ऑप्शन देता हूं मैं बात कर रहा हूं सैन्यो काइजन टीवी और रेडमी टीवी की रेडमी टीवी का एक नया मॉडल लॉन्च हुआ है फुल एच वर्जन के अंदर फोर्टी थ्री साइज में और काइजन टीवी फुल एच बहुत पॉपुलर ऑलरेडी है मेरे हिसाब से सैन्यो काइजन टीवी और नोकिया टीवी एग्जैक्टली सेम टीवीज हैं छोटे छोटे माइनर डिफरेंसेस को छोड़ दें तो इनमें पैनल मेरे हिसाब से बिल्कुल सेम यूज हुआ है और उसके अंदर आपको माइक्रो डिमिंग की 512 जोन्स भी देखने को मिलेंगे ब्राइटनेस भी सेम है सब कुछ सेम है सिवाय सैन्यो काइजन टीवी के अंदर आपको इनबिल्ट ऑंक्यो की साउंड बार नहीं मिलेगी आपको 20 वॉट के स्पीकर्स मिलेंगे लेकिन नोकिया में आपको 39 नाइन वॉट की ऑडियो मिलेगी रेडमी टीवी मैंने अभी तक देखा नहीं है मैंने उसे टेस्ट नहीं किया है लेकिन मैं आपको ऑप्शन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये मी टीवी होराइजन की ही कॉपी है नथिंग एल्स इसलिए उस पैनल को मैं फिर भी रेकमेंड करता हूं और रेडमी टीवी कुड बी अ गुड ऑप्शन इफ यू वांट टू बाय इट इन तीनों के लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं आप इसे जरूर चेक करें अब हम बात करते हैं बजट 4K के के बारे में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर कैटेगरी है 43 थ्री इन साइज के अंदर और उसके अंदर मेरी सभी ऑप्शन है नोकिया टीवी सैन्योकाइजन टीवी हाई सेंस ए सेवन वन एफ हाई सेंस ए सिक्स जी ई वी प्रीमियम वी अल्ट्रा मोटोरोला टी वी तोशीबा टी वी मी टी वी फाइव एक्स रियल मी टी वी आई फैल्कन के सिक्सटी वन और टी सी एल पी सेवन वन फाइव और इस कैटेगरी के अंदर मेरी पर्सनल चॉइस रहेगी हाई सेंस ए सेवन वन एफ वी प्रीमियम और वीव अल्ट्रा टीवी इन टीवीस के अंदर आपको 4K अल्ट्रा एचडी रेजोल्यूशन और 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ-साथ 8-बिट एफआरसी वीएडीएलर्ड पैनल देखने को मिलता है जिसकी पीक एचडीआर ब्राइटनेस 400 निट्स तक चली जाती है और ये पैनल एचडीआर 10 एचएलजी और डॉल्बी विजन की सपोर्ट के साथ आता है इस टीवी के अंदर भी आपको अल्ट्रा डिमिंग फीचर देखने को मिलेगा लेकिन मेरे हिसाब से अल्ट्रा डिमिंग कुछ भी खास काम नहीं करता इस फीचर की वजह से आप इस टीवी को ना खरीदें तो ज्यादा अच्छा होगा लेकिन वाकई ये पैनल बाकी सभी टीवीज़ जो मैंने इससे पहले नाम लिए थे उनसे ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसकी कलर रिप्रोडक्शन बहुत बेटर है एक मेजर चेंज करा है हाइसेंस और व्यू ने अपने टीवीज़ के हार्डवेयर के अंदर उन्होंने इन टीवीज के अंदर कॉटेक्स के ए फिफ्टी की जगह ए फिफ्टी देना शुरू करा है एंड इट इज अ स्मॉल डाउनग्रेड डाउनग्रेड हुआ है ग्लोबल चिप शॉर्टेज की वजह से और इससे टीवी की परफॉर्मेंस में किसी टाइप की मुझे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली आप जो इस, अपनी स्क्रीन पे इस समय देख रहे हैं एंड इट इज प्लेइंग वेरी स्मूथली एंड आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन दिस टीवी रैम स्टोरेज और कनेक्टिविटी ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पे एक, एक करके देख सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से जो हाईसेंस ए सेवन वन एफ व्यू प्रीमियम और व्यू अल्ट्रा टीवी के अंदर 43 इंच साइज में आपको 24 फोर वॉट की ऑडियो क्वालिटी देखने को मिलती है वो एवरेज है आपको एक अच्छी साउंड बार सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए इन टीवी के साथ लगानी पड़ेगी अगर आप उस टाइप का एक्सपीरियंस चाहते हैं तो अगर आप सिर्फ एच और एच चैनल्स देखना चाहते हैं तो इन टीवीज की अपस्केलिंग कैपेबिलिटी भी काफी अच्छी है और उसके लिए शायद आपको एक एक्सटर्नल साउंड बार की जरूरत ना पड़े

लेकिन यह टीवी आपको सेल के दौरान कॉस्ट करेगा थर्टी थाउजेंड रुपीज़ के आसपास और उसके ऊपर आपको कार्ड ऑफर्स भी मिल सकती हैं इसके लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं लेकिन वहां जाने से पहले जरा प्रोज एंड कॉन्स सुनते जाइए ये टीवी बहुत ही शानदार पिक्चर क्वालिटी के साथ आता है और पिक्चर क्वालिटी कैसे निकाली जाती है ये आपको पहले थोड़ा सा समझाता हूँ पिक्चर क्वालिटी के अंदर दो चीज़ें होती हैं एक होती है कलर ऑप्टिमाइजेशन जो कलर्स ब्रांड डिसाइड करता है कि रेड कलर लेट से किस तरीके से टीवी के अंदर दिखाया जाए ब्लू कलर किस तरीके से दिखाया जाए एंड सो ऑन हर कलर की ऑप्टिमाइजेशन ब्रांड अपने तरीके से डिसाइड करता है और उसके बाद होती है पैनल की कलर रिप्रोडक्शन इस टीवी के अंदर कलर ऑप्टिमाइजेशन और पैनल की रिप्रोडक्शन वो बहुत शानदार है जिसकी वजह से मैं इसे रेकमेंड करता हूँ आपको इसके अंदर नेचुरल कलर प्रोफाइल देखने को मिलेगी विद गुड ब्राइटनेस इससे आपको अच्छे एच डी आर कॉन्टेंट को देखने में मजा आएगा इस टीवी की अपस्केलिंग केपेबिलिटी भी अच्छी है अब बात करते हैं इसके कॉन्स के बारे में आज भी इसके अंदर एंड्रॉयड 9 आपको देखने को मिलेगा और उसका अपडेट मुझे नहीं लगता हाईसेंस कभी भी पब्लिश करेगा या पुश करेगा इस टीवी के अंदर आपको आज भी एच डी एम आई ए आर सी पोर्ट ही मिलता है ई ए आर सी पोर्ट नहीं एंड आई थिंक गॉन आर द डेज ऑफ एच डी एम आई ए आर सी पोर्ट बट अगर आपकी ई ए आर सी पोर्ट की जरूरत नहीं है एंड यू कैन लिव विदाउट एच डी एम आई टू पॉइंट वन जो कि आई थिंक आज की डेट में इतनी ज्यादा जरूरत अभी तक नहीं हुई देन और आपकी जगह अगर मैं होता तो मैं ये टीवी जरूर ले लेता फॉर अ गुड पिक्चर क्वालिटी लिंक्स मैंने अब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं उसे अब जरूर चेक करिए हाईसेंस का ए सेवन वन एफ व्यू प्रीमियम या व्यू अल्ट्रा उन लोगों के लिए अच्छा टीवी है जिनके रूम के अंदर कम रोशनी आती है और वो उसे रात में ज्यादा देखना पसंद करते हैं लेकिन अब आती है ऑल्टरनेट ऑप्शन की बारी जिसमें आपको मैं एक ऐसी ऑप्शन देता हूं जो एक ब्राइट रूम में लगाने के लिए बहुत सही टीवी है एंड दैट इज मोटोरोला जी एक्स प्रो इस टीवी के अंदर आपको अच्छा आईपीएस पैनल देखने को मिलेगा जो एल कंपनी से लिया गया है और इसमें आपको 350 हंड्रेड फिफ्टी की पीक एच ब्राइटनेस भी देखने को मिलेगी जो कि काफी अच्छी बात है अनाप शनाप प्राइसिस पे आप मत जाइए इस टीवी का प्राइस काफी कम हो जाएगा और ये आपको 30,000 के आसपास देखने को मिलेगा सेल के दौरान और उसके ऊपर आपको कार्ड ऑफर्स भी देखने को मिलेंगी अगर आपकी चॉइस में एक आईपीएस पैनल टीवी आता है और आपने बहुत ब्राइट रूम में उस टीवी को लगाना है देन मोटोरोला जी एक्स प्रो इज योर आंसर और इसके भी लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं इसे आप जरूर चेक करिए अब बात करते हैं हाईसेंस ए सिक्स के बारे में इस टीवी के अंदर आपको 300 हंड्रेड निट्स की पीक एच ब्राइटनेस मिलती है बजाय 400 हंड्रेड निट्स के जो आपको A71F में मिलती है इसीलिए मेरी सेकंड अल्टरनेट ऑप्शन है आप इस टीवी के अंदर बाकी सभी चीजें वही देखेंगे जो आपको ए सेवन वन एफ में मिलती हैं चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो कनेक्टिविटी ऑप्शन हो या फिर ऑडियो क्वालिटी हो चॉइस इज कंप्लीटली योर्स आपके सामने दोनों ऑप्शन हैं डिसीजन आपने लेना है पैसा आपका है कॉस्ट दोनों ही टीवी की मेरे हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली सेम रहेगी सेल के दौरान लिंक्स मैंने आपको तीनों ही ऑप्शंस के दिए हैं आप वाइजली चूज करें बेस्ट टीवी इन इंडिया अंडर 40,000 के अंदर मैं आपको दो टाइप के ऑप्शंस बताऊंगा और दोनों के फीचर्स और पिक्चर क्वालिटी के अंदर काफी डिफरेंस है इसलिए फॉर कंपेयरिंग एप्पल्स टू एप्पल्स एंड ऑरेंजेस टू ऑरेंजेस मैंने इसको दो सेक्शंस में डिवाइड किया है पहले सेक्शन के अंदर मैं चार टीवीज को आपस में कंपेयर करूंगा और वो चार टीवी हैं सैमसंग ए यू सिक्सटी सैमसंग ए यू सेवनटी सैमसंग ए यू सेवन सेवन डबल जीरो और सैमसंग का ही AU8000 इन सभी टीवी के अंदर से मेरी अपनी पर्सनल पिक रहेगी सैमसंग का AU60 या फिर सैमसंग का ही AU70 इस टीवी की मैंने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग और रिव्यू किया है आप अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो यहां पे एक कार्ड आएगा आप उसे क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं इस टीवी के अंदर आपको अल्ट्रा एच डी रेजोल्यूशन और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा और साथ में ये टीवी आपको देता है 8 बिट एफ आर सी वी पैनल जिसकी पीक एच डी आर ब्राइटनेस चली जाएगी 350 हंड्रेड तक इस टीवी के अंदर आपको एच डी आर टेन और एच एल जी की सपोर्ट देखने को मिलेगी लेकिन ये पैनल डॉल बी विजन को सपोर्ट नहीं करता इस बात का आपको बहुत खास ख्याल रखना है इस टीवी के अंदर आपको कॉन्ट्रास्ट एनहेंसर जैसी टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी जो इसकी पिक्चर क्वालिटी के अंदर कॉन्ट्रास्ट को बहुत ज्यादा एनहेंस करती है और यह एक सही बात है आपको बहुत ज्यादा अच्छा कॉन्ट्रास्ट इस पैनल से देखने को मिलेगा एंड व्यूइंग एंगल्स टेक अप डीप हिट इन दिस टीवी किसी भी वी पैनल के अंदर आपको व्यूइंग एंगल बहुत ज्यादा अच्छे देखने को नहीं मिलते वो इस टीवी के साथ भी होता है लेकिन इस टीवी के साथ थोड़ा सा ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ प्रॉबली कॉन्ट्रास्ट एनहेंसर फीचर जब आप एक्सट्रीम साइड से इस टीवी को देखते हैं तो आपको अप्रॉक्सिमेटली 30 परसेंट तक का ब्राइटनेस और कलर लॉस इस टीवी में से देखने को मिलता है बट दैट इज एक्सट्रीम साइड आप अगर इसे 45 फाइव डिग्रीज तक देखना चाह रहे हैं तो यह टीवी परफेक्ट है ऐसे रूम्स के लिए जहां पे आपको कम रोशनी में टीवी को देखना है बहुत ज्यादा रोशनी वाले रूम में इस टीवी को आप ना लगाएं तो ज्यादा अच्छा होगा सॉफ्टवेयर सीपीयू जीपीयू, रैम स्टोरेज आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं अब हम बात करते हैं इस टीवी की ऑडियो क्वालिटी और सॉफ्टवेयर के बारे में इस टीवी के अंदर आपको टाइज एन देखने को मिलता है वो अच्छा है स्मूद है उसमें थोड़े से लैग्स आपको कभी कभी देखने को मिलते हैं और ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है क्या ये बहुत बड़ा कौन है बिल्कुल भी नहीं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम कोई बेंचमार्क नहीं है टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको अपने टी के अंदर कंटेंट देखना है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं देखना इस बात का आप खास ख्याल रखें एक चीज़ जो आपको इस टीवी के अंदर देखने को नहीं मिलेगी वो है बहुत ज़्यादा एप्स आप बहुत ज़्यादा एप्स सैमसंग के किसी भी टीवीज में नहीं देख पाएंगे और आप एक्सटर्नली भी सैमसंग के किसी टी में कोई भी ऐप अपलोड नहीं कर सकते या डाउनलोड नहीं कर सकते ये सैमसंग और एल जी के टी की खास प्रॉब्लम है और ये मैं ऐसे प्रॉब्लम नाम भी नहीं दूंगा दिस इज़ अ फीचर दैट दे वांट टू लॉक देयर इंटरफेस और देयर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विच इज़ गुड विच इज़ ओके बट इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर मैं आउट ऑफ टेन रैंक करूँगा दैन दिस इज़ वेरी इजिली सेवन एंड हाफ टू एट ऑडियो क्वालिटी की अगर हम बात करें तो इस टीवी को अगर आप थोड़े से भी बड़े रूम में लगाएंगे तो आप इसकी ऑडियो को एवरेज कहेंगे एक अच्छी साउंड बार साथ में लगाने पे इस टीवी से आपको सिनेमैटिक ऑडियो एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है अब बात करते हैं इसकी अपस्केलिंग केपेबिलिटीज के बारे में इस टीवी के अंदर आपको अच्छी अपस्केलिंग मिलती है एच और एच चैनल्स की और आप अगर यूएस से इसमें कॉन्टेंट प्ले करेंगे तो उसमें भी आपको अच्छी अपस्केलिंग केपेबिलिटी देखने को मिलेगी इस टीवी से इस टीवी का प्राइस इस समय अप्रॉक्सीमेटली फोर्टी टू थाउजेंड रुपीज़ है लेकिन सेल के दौरान आई थिंक इट विल बी क्लोज टू थर्टी एट टू थर्टी नाइन थाउजेंड रुपीज़ जो कि मेरे हिसाब से सही प्राइस है इस टीवी का और उसके ऊपर आपको कार्ड ऑफर्स भी देखने को मिलेंगे अब बात करते हैं इस टीवी के के एंड कॉन्स के बारे में ये टीवी अच्छा है इसके अंदर आपको बहुत अच्छे कलर्स देखने को मिलेंगे लेकिन बेस्ट कलर्स नहीं इस टीवी के अंदर आपको डीप कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा और बहुत अच्छे ब्लैक्स देखने को मिलेंगे और सैमसंग गुड ब्लैक्स इन देयर पैनल्स व्यूइंग एंगल्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं वो एक डिसअपॉइंटिंग चीज है लेकिन एक और जो अच्छी चीज इस टीवी की है वो है इसकी कनेक्टिविटी ऑप्शन इसमें आपको एक ई ए आर सी पोर्ट देखने को मिलता है और आप डॉल्बी एटमोस साउंड बार्स इससे डायरेक्टली ई ए आर सी पोर्ट से कनेक्ट करके डॉलबी एटमोस को डी कर सकते हैं लेकिन आपको इस टीवी के कॉन्स भी पता ही होने चाहिए इस टीवी के अंदर आपको डॉलबी विजन की सपोर्ट देखने को नहीं मिलती और आप उसे किसी भी तरीके से अचीव नहीं कर सकते डॉल्बी विजन कंटेंट को जब आप प्ले करेंगे तो वो इस टीवी में प्ले तो होगा लेकिन इन एच फॉर्मेट इस चीज का ध्यान रखें और इस टीवी के अंदर आपको हॉटस्टार ऐप आप में मैक्सिमम रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा फुल एच आप 4K कंटेंट को भी अगर प्ले करेंगे तो वो फुल एच में प्ले होगा और ये लड़ाई डिजनी हॉटस्टार और सैमसंग के बीच में है जब तक ये पूरी तरह सॉल्व नहीं होती आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन सिर्फ डिजनी हॉटस्टार ऐप पे फुल एच मिलेगा बाकी सभी ऐप्स पे आप जिस टाइप का कंटेंट जिस भी टाइप में प्ले करना चाहेंगे जिस भी फॉर्मेट में वो प्ले होगा अगर ये दोनों कॉन्स आपके लिए कॉन्स हैं तो आप कोई और टीवी देख सकते हैं लेकिन अगर नहीं है तो इसके लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं और वहां जाने से पहले एक छोटी सी बात और सुनते जाइए ए यू सिक्सटी और ए यू सेवेंटी के अंदर बहुत माइनर चेंज है और वो भी एक ए यू सिक्सटी के अंदर रिमोट कंट्रोल में आपको वॉइस कमांड देने के लिए माइक्रोफोन बटन नहीं मिलता और ए यू के अंदर मिलता है दैट इज दी ओनली डिफरेंस वो ए 60 सिक्सटी किसी टाइप के असिस्टेंट को सपोर्ट नहीं करेगा और Aue 70 करेगा डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए दोनों टी के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए अगर आपको वॉइस असिस्टेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप ए यू सेवनटी लें और अगर नहीं है तो आप ए यू सिक्सटी ले के भी दो तीन हज़ार और बचा सकते हैं चॉइस इज़ कंप्लीटली योर्स सैमसंग ए यू एक बहुत अच्छा टी है और ए यू और ए यू से ज़्यादा बेटर भी है वो है इस टी की ऑल्टरनेट ऑप्शन लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगा भी है वो अप्रॉक्सीमेटली टेन थाउजेंड रुपीज महंगा है इन टी से और अगर आप उस बजट में आना चाहते हैं तो आपके लिए एट थाउजेंड भी अच्छा हो सकता है या फिर मैं आगे जो टीवीज बताने जा रहा हूँ वो भी ऑप्शन हो सकती है चॉइस इज कंप्लीटली योर्स मैंने आपको ऑल्टरनेट ऑप्शन जो बताई है ए यू एट थाउजेंड उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा बेस्ट टीवी इन इंडिया 2021 की मेरी लिस्ट में जो अंडर फोर्टी थाउजेंड के अंदर मैं ऑप्शंस आपको देना चाहता हूं वो है एल जी यूपी सेवन फाइव डबल जीरो एल जी यूपी सेवन सेवन टू जीरो एल जी यू एन सेवन थ्री डबल जीरो और इस पोजीशन पे क्लियर विनर है एल जी यू पी सेवन फाइव डबल जीरो सेवन सेवन टू जीरो और यस इट इज स्लाइटली बेटर देन एंड सेवनटी इन टीवीज़ के अंदर आपको 4K के अल्ट्रा एच रेजोल्यूशन और 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा और ये टीवीज आते हैं 8 बिट एफ आर या फिर वी पैनल के साथ और ये डी पैनल्स हैं और इनके अंदर आपको पीक एच ब्राइटनेस देखने को मिलेगी 330 हंड्रेड निट्स की इन टीवी के अंदर आपको एच डी और एच की सपोर्ट भी देखने को मिलेगी इस टीवी की एक और हाईलाइट है और वो है इसका वेब ओ वेब ओ बहुत ही शानदार तरीके से ऑप्टिमाइज करा गया है स्पेशली इन वर्जन सिक्स जो आपको इन टीवी में देखने को मिलता है और इसके अंदर आपको सभी एप्स होम स्क्रीन पे देखने को मिलेंगी जस्ट लाइक एंड्रॉइड टीवी ओ इस टीवी के अंदर आपको एमेजोन एलेक्सा गूगल असिस्टेंट और एपल एयरप्ले टू की भी सपोर्ट देखने को मिलेगी सीपीयू जीपी स्टोरेज और कनेक्टिविटी ऑप्शन लेकिन जो इसमें नोट करने वाली बात है वो है इसकी कम कनेक्टिविटी ऑप्शन आपको सिर्फ दो एच डीएमआई पोर्ट्स मिलते हैं जिसमें से एक ई एर सी सपोर्ट करता है ये दो पोर्ट्स होना बहुत ज्यादा गलत है मेरे हिसाब से कम से कम पोर्ट्स HDMI होने चाहिए थे और आपको सिर्फ एक यूएसबी पोर्ट मिलता है यह भी गलत है अगर आप इतने कम कनेक्टिविटी ऑप्शंस के साथ एक टीवी को यूज कर सकते हैं तो इस टीवी को कंसिडर करें वरना आप इस बजट में सैमसंग एक्सटी या सेवेंटी ले सकते हैं इस टीवी के अंदर जो आपको ऑडियो क्वालिटी मिलती है 20 वॉट की वो स्लाइटली अब एवरेज है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है लेकिन सैमसंग एवेंटी से अगर हम कंपेयर करें तो वो थोड़ी सी बेटर है एल जी इन दोनों ही टीवी पे आपको देता है वन ईयर की कॉम्प्रेहेंसिव वारंटी एंड एक्स्ट्रा वन ईयर की वारंटी ऑन दी पैनल एल जी यूपी सेवन फाइव डबल जीरो का इस समय प्राइस है थर्टी नाइन थाउजेंड रुपीज लेकिन सेल के दौरान ये टीवी अप्रॉक्सिमेटली थर्टी सेवन थाउजेंड रुपीज के आसपास कॉस्ट करेगा विच इज अ वेरी गुड प्राइस फॉर दिस टीवी अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में क्योंकि वो जानना आपके टीवी खरीदने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है इस टीवी के अंदर आपको बहुत ही शानदार पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगी चाहे आप वी पैनल लें चाहे आई पी एस एल जी यूपी सेवन फाइव डबल जीरो के अंदर आपको चॉइस नहीं मिलेगी किसी पैनल टाइप की एल जी अपने आप ही शिप करेगा जो भी पैनल अवेलेबल होगा लेकिन मोस्टली लोगों को वी पैनल ही मिलेगा इस बात का ख्याल रख के ही आप इसे ऑर्डर करें अगर आपको आईपीएस पैनल लेना है देन यू मस्ट बाय सेवन सेवन टू जीरो उसके अंदर आपको गारंटीड आईपीएस पैनल ही मिलेगा इस बात को बहुत ज्यादा सोच समझ के लें कि आपको वीए पैनल का टीवी तब लेना चाहिए जब आप एक कम लाइट वाले रूम के अंदर टीवी को लगाना चाहते हैं और आईपीएस पैनल का टीवी आप कम लाइट वाले रूम में भी लगा सकते हैं लेकिन ज्यादा लाइट वाले रूम में वो बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है इसे सोच के आप इन दोनों में से कोई एक टीवी को ऑर्डर करें दोनों ही टीवी के लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं लेकिन कौन सुनिए सबसे पहले थोड़े से प्रोज आपको और बताता हूं पिक्चर क्वालिटी बहुत शानदार है दोनों ही पैनल्स में मैंने दोनों पैनल्स की टेस्टिंग करी है और दोनों पैनल्स के आपको रिव्यू इस चैनल पे दिखाए हैं आपको कलर्स जो है बहुत ज्यादा क्लोज टू नेचुरल प्रोफाइल के मिलेंगे वो एक बहुत शानदार बात है आपको व्यूइंग एंगल्स VA पैनल के अंदर 25% कलर लॉस के साथ मिलेंगे ये VA पैनल की बेसिक प्रॉपर्टी है लेकिन IPS पैनल में आपको कलर लॉस ना के बराबर देखने को मिलेगा ये IPS पैनल की प्रॉपर्टी है लेकिन LG ने VA और IPS दोनों पैनल्स बहुत ही अच्छे बनाए हैं ये एक अच्छी बात है इन टीवीज में इसके अंदर आपको Dolby Vision की सपोर्ट नहीं मिलती ये एक मेजर कॉन है दोनों ही टीवीज में आप विजन को कंटेंट प्ले करेंगे तो आप एच कंटेंट देख पाएंगे डॉल्बी विजन नहीं यही सैमसंग और यही एल के साथ बजट रेंज के टीवीज़ में प्रॉब्लम है सैमसंग के हर टीवी के अंदर आपको डॉल्बी विजन सपोर्ट नहीं मिलती लेकिन एल के इस बजट रेंज के टीवीज़ के अंदर आपको डॉल्बी विजन सपोर्ट नहीं मिलेगी एक और जो मेजर कौन है इस टीवी का इन दोनों टीवीज का आदर वो है कनेक्टिविटी ऑप्शन आपको बहुत कम कनेक्टिविटी ऑप्शन देखने को मिलेंगी लेकिन अगर आपके लिए यह कौन नहीं है तो ये टीवी वन ऑफ द बेस्ट टीवीज है इस प्राइस रेंज में एंड लेट मी टेल यू मैंने अभी तक के जो भी टीवीज आपको इस वीडियो में बताए हैं उनमें से वन ऑफ द बेस्ट टीवीज है एल जी यूपी सेवन फाइव डबल जीरो और सेवन सेवन टू जीरो अब आप जाइए लिंक्स दिए हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इन टीवी को जरूर चेक करिए और यही है सेवन सेवन टू जीरो मेरी ऑल्टरनेट ऑप्शन सेवन फाइव डबल जीरो की बेस्ट टीवी इन इंडिया अंडर सिक्सटी थाउजेंड की कैटेगरी के अंदर मेरी ऑप्शन है सोनी एक्स सोनी एक्स सेवनटी फाइव सैमसंग नाइन जीरो सेवन जीरो एल जी नैनो थ्री एंड एल जी नैनो फाइव और इन सभी टीवी के अंदर से मेरी पर्सनल पिक रहेगी सोनी X74 मॉडल जो कि 2021 मॉडल है और आता है अल्ट्रा एच डी रेजोल्यूशन और 50 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ इस टीवी के अंदर सोनी ने दिया है 8 बिट एफ आर सी आई पी एस डी लाइट पैनल जिसकी पीक एच डी आर ब्राइटनेस थ्री हंड्रेड सिक्सटी तक चली जाती है और यह टीवी सपोर्ट करता है एच डी आर टेन एन एच एल जी को इस टीवी का ऑलरेडी मैंने अनबॉक्सिंग और रिव्यू करा है और अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो यहां पर जो लिंक आएगा आप उसे क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं सोनी ने इस टीवी के अंदर यूज किया है 4K X1 पिक्चर प्रोसेसर और लाइव कलर टेक्नोलॉजी जिससे एक्चुअली में आपको बहुत शानदार कलर्स इस टीवी में देखने को मिलेंगे डिस्पाइट बीइंग आईपीएस पैनल इस टीवी के अंदर आपको फ्रेम डेमिंग ऑप्शन भी मिलेगी और यह टीवी आता है मोशन फ्लो एक्सआर टेक्नोलॉजी के साथ जिसमें नंबर दिया गया है 100 यानी 100 यानी मोशन मोशन फ्लो फ्लो एक्सआर एक्सआर टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी के साथ का मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूं और इस टेक्नोलॉजी की वजह से मोशन फ्लो के अंदर इस टीवी में मुझे बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले अगर आप उसे ऑफ रखेंगे तभी यह टीवी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा अकॉर्डिंग टू मी और 50 हर्ट का रिफ्रेश रेट इस टीवी के अंदर किसी टाइप की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने जितने भी एक्शन सीन्स देखे उसके अंदर मुझे मोशन फ्लो एक्स को बंद करके भी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस इस पैनल से देखने को मिली सिक्सटी हर्ट के टीवी से कंपेयर करने पर सीपीयू जीपीयू रैम स्टोरेज और कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन पे धीरे धीरे करके देखने को मिलेंगी लेकिन जो सबसे ज्यादा नोट करने वाली बात इस टीवी के अंदर है वो है इसकी ऑडियो क्वालिटी ट्वेंटी वॉट के ही बैफल स्पीकर इस टीवी के अंदर देखने को मिलते हैं लेकिन वो बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म करते हैं आपको बहुत ज्यादा पंची बेस तो इस स्पीकर से नहीं मिलेगी लेकिन आपको ऑडियो क्वालिटी बहुत शानदार मिलेगी डू नॉट एक्सपेक्ट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लेकिन एक एवरेज साइज रूम के लिए ये स्पीकर आर गुड इनफ सोनी इस टीवी पे आपको देता है वन ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी एंड आई विश कि सोनी एक्स्ट्रा वारंटी पैनल पे भी देता होता लेकिन ऐसा नहीं है सोनी का ये टीवी इस समय कॉस्ट करता है फिफ्टी एट थाउजेंड रुपीज लेकिन सेल के दौरान आपको ये अप्रोक्सीमेटली फिफ्टी फाइव थाउजेंड रुपीज का कॉस्ट करेगा उसके ऊपर आप कार्ड ऑफर्स भी लगा सकते हैं नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोजेन कॉन्स बिकॉज हर प्रोडक्ट में प्रोजेन कॉन्स जरूर होते हैं ये टीवी इतने शानदार कलर्स के साथ आता है कि आपको पिक्चर देखने का मजा आएगा आप पिक्चर क्वालिटी देख के कहेंगे कि वाकई ये होती है पिक्चर क्वालिटी आईपीएस पैनल होने की वजह से आपको व्यूइंग एंगल्स बहुत ज्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे इस टीवी के अंदर विच इज अ वेरी गुड थिंग इन दिस टीवी और एक बेसिक चीज होती है आईपीएस पैनल की लेकिन आईपीएस पैनल होने के बावजूद इस टीवी के अंदर आपको ब्लैक्स अच्छे मिलते हैं यह एक बहुत अच्छी चीज है इस टीवी की बिकॉज ऑफ फ्रेम डिमिंग फ्रेम डिमिंग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तरीके से काम नहीं करती है लेकिन फिर भी आपको ब्लैक्स अच्छे मिल रहे हैं नॉट लाइक वी पैनल उतने अच्छे नहीं लेकिन आईपीएस पैनल के मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छे अब बात करते हैं कुछ कॉन्स के बारे में आप इतना महंगा टीवी खरीदेंगे लेट्स से 55,000 के आसपास का पिक्चर क्वालिटी तो आपको बहुत शानदार मिलेगी लेकिन डॉलबी विजन की सपोर्ट अभी भी आपको नहीं मिलेगी क्योंकि तो सोनी के इस टीवी के अंदर आपको विजन सपोर्ट नहीं मिलती इस टीवी के अंदर आपको कनेक्टिविटी ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लेकिन ई ए आर सी पोर्ट आपको इस टीवी में नहीं दिया गया और अगर आप डॉल्बी एटमोस साउंड बार इस टीवी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी परेशानी आ सकती है और आपको थोड़ा इनडायरेक्ट रूट से उसे कनेक्ट करना पड़ेगा एंड आई डोंट थिंक सो ये बहुत बड़ा इशू है लेकिन अगर आपके लिए है तो आप इस टीवी को स्किप कर सकते हैं और कोई और टीवी ले सकते हैं लेकिन अगर आपके लिए नहीं है दर आई एम टेलिंग यू दैट दिस टी वी विल गिव यू द बेस्ट पिक्चर क्वालिटी एक्सपीरियंस और आप इस टीवी को लेके किसी टाइप की गलती नहीं करेंगे लिंक दिए हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसे जरूर चेक करिए ऑल्टरनेट ऑप्शन जो मैं बताना चाहूँगा वो है सोनी का ही एक्स डिफरेंस इन दोनों ही टीवी के अंदर सिर्फ एक ही है और वो है मोशन फ्लो एक्सआर टेक्नोलॉजी 200 आपको मिलेगी 75 में और 100 आपको मिलेगी 74 में दैट इज दी ओनली डिफरेंस लेकिन एक चीज को बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए मैं मोशन फ्लो एक्सआर टेक्नोलॉजी को सोनी टीवी का एक कॉन गिनता हूं क्योंकि उस ओवर हाइप टेक्नोलॉजी की मुझे एक्चुअल यूसेज इस टीवी में नहीं दिखी मुझे फिर भी मोशन ब्लर दिखा इस टीवी के अंदर मोशन फ्लो एक्सआर टेक्नोलॉजी को मैक्सिमम करने पे भी अगर आप मोशन फ्लो एक्सआर 100 की जगह 200 का टीवी लेंगे और उसे भी यूज करेंगे तो भी आपको उतना ही मोशन ब्लर देखने को मिलेगा जो मैंने ऑब्जर्व किया आई कुड बी रॉन्ग लेकिन मेरी आंखें जनरली मोशन ब्लर के बारे में कभी धोखा नहीं खाती मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आपको दोनों में से जो टीवी सस्ता मिले आप उसे खरीदें और मोशन फ्लो एक्सर टेक्नोलॉजी की परवाह ना करें दूसरी ऑल्टरनेट ऑप्शन जो मैं आपको देना चाहूंगा वो है सैमसंग का AU9070। नाइन जीरो सेवन जीरो मैंने इसे मेन ऑप्शन इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इसकी पिक्चर क्वालिटी सोनी एक्स फोर या एक्स सेवेंटी फाइव से ज्यादा अच्छी नहीं है एक टीवी हमें खरीदना चाहिए अच्छी पिक्चर क्वालिटी के लिए और अगर अच्छी पिक्चर क्वालिटी ही एक टीवी नहीं दे पा रहा है तो उसे लेना समझदारी नहीं है और एक कंपैरिजन के अंदर हमें पिक्चर क्वालिटी को कंपेयर करना है सैमसंग AU709070 के अंदर आपको बहुत अच्छे ब्लैक्स तो मिलते हैं कलर्स भी ज्यादा अच्छे मिलते हैं इन कंपैरिजन टू लेट्स से सेवेंटी या ए यू लेकिन आपको बहुत ज्यादा पंची कलर्स जो लाइफ लाइक कलर्स जो मैं आपको कह रहा हूं सोनी एक्स सेवेंटी फोर के अंदर वो नहीं मिलते आई एम हंड्रेड परसेंट कन्विंस बाई वन ट्वेंटी हर्ड्स वेरिएबल रिफ्रेश रेट पैनल ऑफ सैमसंग ए नाइन जीरो सेवन जीरो लेकिन अगर आप एक सीरियस गेमर हैं तो आपके लिए टीवी ठीक है लेकिन अगर आपने सिर्फ एक नॉर्मल कॉन्टेंट वॉच करना है लेट से एस डी एंड एच डी चैनल्स लेट से नेटफ्लिक्स और एमेजॉन प्राइम देन आई थिंक सोनी एक्स सेवेंटी फोर वुड मेक मोर सेंस क्योंकि सोनी टीवी की अपस्केलिंग और सैमसंग की अपस्केलिंग में बहुत ज्यादा फर्क है आपको सोनी में बहुत शानदार अपस्केलिंग मिलती है सैमसंग में नहीं उतनी अच्छी नहीं चॉइस इज कंप्लीटली योर्स तीनों ही टीवीज के लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं आप सोच समझ के फैसला करिए अब हम बात करते हैं अपनी लास्ट पोजीशन यानी बेस्ट टीवी इन इंडिया 2021 की मेरी लिस्ट में आने वाले अंडर 70,000 के बेस्ट टीवी की और उसके अंदर मेरी ऑप्शंस हैं सोनी एटी जे सैमसंग फ्रेम सैमसंग सेरिफ सैमसंग क्यू सिक्सटी ए और सोनी एट थाउजेंड एच और मेरी इसमें बहुत इजी पिक रहेगी सोनी एक्स एटी जे आप में से कई लोग हो सकता है मुझसे अग्री ना करें लेकिन अगर आप इस सेक्शन को बिना स्किप करें प्रॉपरली देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे रीजन क्या है और आपको कैसी पिक्चर क्वालिटी का डिफरेंस देखने को मिलता है एक्स और एट में पर्टिकुलरली 80J के अंदर आपको 4K के अल्ट्रा रेजोल्यूशन और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा और ये टीवी आता है एट बिट एफ आर सी आई पी एस डी लेट पैनल के साथ जिसकी पीक एच डी आर ब्राइटनेस अप्रोक्सीमेटली फोर हंड्रेड तक चली जाती है और यह टीवी का पैनल सपोर्ट करता है एच डी आर टेन एच एल जी और डॉलबी विजन को विच इज डार्क एंड लाइट बोथ फोर हंड्रेड शायद आपको सुनने में थोड़ा कम लगे लेकिन रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस इस पैनल की बहुत शानदार है क्योंकि सोनी ने इस पैनल से बहुत ही अच्छे कलर्स रिप्रोड्यूस करे हैं इस फोर के अंदर यूज हुआ है 4K X1 HDR पिक्चर प्रोसेसर और उसके साथ साथ यूज हुई है लाइव कलर टेक्नोलॉजी सोनी ने इसके अंदर मोशन फ्लो एक्स टू टेक्नोलॉजी भी दी है जिसका मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूं और सोनी ने इसके अंदर फ्रेम डिमिंग ऑप्शन भी दी है जो X74 से, से ज्यादा अच्छे तरीके से काम करती है और आपको ज्यादा अच्छे ब्लैक्स देती है जितनी भी कमियां सोनी X75 और X74 के अंदर थी वो X80J के अंदर दूर करी गई हैं और इसके अंदर आपको Android OS के साथ साथ Apple Airplay 2 की सपोर्ट भी देखने को मिलती है। कोर CPU, जीपीयू रैम स्टोरेज आपको सब अपनी स्क्रीन पे देखने को मिलेगा और कनेक्टिविटी ऑप्शंस पे जरा ध्यान दीजिए आपको इसमें ई ए पोर्ट भी देखने को मिलेगा विच इज अ फैंटेस्टिक थिंग सोनी के इस टीवी के अंदर आपको जो 20 वाट के स्पीकर्स मिलते हैं वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं X74 से कई लोग ये अपने वीडियोस के अंदर कहते हैं कि X74 और X80J के अंदर सेम स्पीकर्स यूज हुए हैं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है 20 वाट दोनों में ही आपको मिलेंगे लेकिन ये बेस रिफ्लेक्स स्पीकर्स बहुत ज्यादा बेटर हैं X74 और X75 से सोनी आपको देता है इस टीवी पे वन ईयर की कॉम्प्रहेंसिव वारंटी एंड नो एक्स्ट्रा वारंटी ऑन पैनल विच इज अ बैड थिंग अकॉर्डिंग टू मी लेकिन सोनी इज सोनी टीवी का इस समय प्राइस है सेवेंटी थाउजेंड रुपीज लेकिन सेल के दौरान आप इस टीवी को प्रॉबली खरीद पाएंगे सिक्सटी फाइव थाउजेंड रुपीज का और उसके ऊपर आप कार्ड डिस्काउंट भी लगा पाएंगे विच इज अ वेरी गुड प्राइस फॉर दिस टीवी बट क्या आपको यह टीवी खरीदना चाहिए ये डिसाइड करिए एंड कॉर्न सुनने के बाद ये टीवी बहुत ही ज्यादा शानदार कलर्स रिप्रोड्यूस करता है और इसकी कलर ऑप्टिमाइजेशन की बात मैं करूंगा ही नहीं क्योंकि सोनी अपनी कलर ऑप्टिमाइजेशन सभी टीवीज़ की एक जैसी करता है कलर रिप्रोडक्शन हर पैनल की डिफरेंट होती है इस पैनल में आपको अच्छी कलर रिप्रोडक्शन मिलती है दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पैनल के अंदर आपको व्यूइंग एंगल्स में किसी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आने वाली क्योंकि आईपीएस पैनल है और इसके व्यूइंग एंगल्स बहुत शानदार हैं इस टीवी के अंदर X74 और X75 की तरह ब्लूटूथ को ओपन कर दिया गया है यानी अब आप सोनी टीवीज में किसी भी टाइप के हेडसेट्स और अपने ईयरफोन्स को कनेक्ट कर पाएंगे माउस कीबोर्ड इन सभी को कनेक्ट कर पाएंगे आपको इस टीवी के अंदर एच डी एम आई आर सी पोर्ट का इंक्लूजन भी मिलेगा विच इज अ वेरी गुड थिंग अब आप डॉल्बी एटमोस इनेबल्ड साउंड बार इस टीवी से डायरेक्टली प्लग इन करके डॉल्बी एटमोस को डी कोड कर सकते हैं विच इज अ वेरी गुड थिंग डॉल्बी विजन की सपोर्ट आपको इस टीवी के अंदर देखने को मिलेगी एंड डॉल्बी विजन कॉन्टेंट लुक्स वाओ ऑन दिस टीवी ये सभी प्रोज हैं वॉट आर द कॉन्स इट इज स्लाइटली ओवर प्राइज अकॉर्डिंग टू मी ये टीवी बहुत ही शानदार है इसमें कमी निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है लेकिन यह कमी तो है सोनी का टीवी बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड होता है बट यू के नॉट एज आई सेड यू के नॉट क्वेश्चन सोनी टीवीज इस टीवी के अंदर आपको वेरिएबल रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलता विच इज नॉट अ गुड थिंग सोनी इतने महंगे टीवी को यह सिर्फ 43 इंच साइज है अगर आप इसका महंगा वेरिएंट और देखेंगे इसके बड़े साइजेस के अंदर तो ये बहुत महंगा टीवी है इतने महंगे टीवी के अंदर सोनी वेरिएबल रिफ्रेश रेट नहीं देता जो कंपटीशन देता है लेकिन फिर भी मैं ये टीवी क्यों रेकमेंड कर रहा हूं आपको बिकॉज ऑफ इट्स पिक्चर क्वालिटी मैं बार बार ये बात अपने वीडियोज़ में कहने की कोशिश करता हूं कि आप टी सबसे पहले अच्छी पिक्चर क्वालिटी के लिए लेते हैं और ये टीवी बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी के साथ आता है एक और कौन जो है मेरी नजर में वो है मोशन फ्लो एक्स आर टू हंड्रेड आई सिंपली डोंट लाइक दैट टेक्नोलॉजी दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन मेरी आंखों में ब्लर ज्यादा दिखता है और मोशन फ्लो एक्स आर टू हंड्रेड टेक्नोलॉजी मेरे हिसाब से बेकार काम करती है मुझे उसे ऑन करने के बाद ज्यादा ब्लर दिखता है और मैं ऑब्जेक्ट्स को डबल या ट्रिपल भी देख पाता हूं अगर आप इसे ऑफ करके यूज करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा इनपुट लैग मैंने इस टीवी का टेस्ट नहीं किया लेकिन गेमर्स के लिए यह टेक्नोलॉजी मे बी बेनिफिशियल। अब आपका डिसीजन है पैसा आपका है चॉइस आपकी है लिंक मेरा है जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है आप उसे क्लिक करके जरूर इस टीवी को चेक करें सैमसंग फ्रेम 2021 ट्वेंटी वन इज माई ऑल्टरनेट ऑप्शन और दूसरी ऑल्टरनेट ऑप्शन है सोनी एक्स एट थाउजेंड एच इन दोनों ही ऑल्टरनेट ऑप्शन को अगर आप कंसिडर करना चाहते हैं तो इनमें चूज करने का तरीका मैं आपको बताता हूं अगर आपको डॉल्बी विजन नहीं देखना और आपको एक बहुत ही स्लिम प्रोफाइल का गुड लुकिंग टीवी चाहिए तो आप सैमसंग फ्रेम लीजिए एंड रिमेंबर आप गेमर नहीं होने चाहिए क्योंकि सैमसंग फ्रेम 55 इंच के अंदर जो आपको फीचर्स मिलते हैं वो आपको 43 इंच में नहीं मिलते इस बात का बहुत खास ख्याल रखिएगा ना वेरिएबल रिफ्रेश रेट आपको मिलेगा इसमें और पैनल भी वो सेम नहीं है उतनी ब्राइटनेस नहीं है इसलिए सैमसंग फ्रेम नंबर वन पोजिशन पे टॉप नहीं है और सोनी एक्स एट इसलिए ऑल्टरनेट ऑप्शन है क्योंकि उसमें चाहे ब्राइटनेस थोड़ी सी ज्यादा है लेकिन कलर और पिक्चर क्वालिटी एट्टी जे की ज्यादा बेटर है एट्टी एच से इसलिए अगर आप इन्हें साइड बाई साइड देखने की कोशिश करेंगे अगर आपको मिल जाए कहीं पर तो आप भी यही कहेंगे कि ए टी जे इज वे टू गुड रिमेंबर सोनी इज अ बिग ब्रांड अगर वो एक कॉरपोरेट डिसीजन लेते हैं और अगर वो अपने टीवी की ब्राइटनेस को कम करते हैं तो उन्हें भी ये पता है कि रिव्यूअर्स या फिर एक आम जनता जब इस चीज़ को देखेगी और नोटिस करेगी तो वो क्या कहेगी फाइव हंड्रेड निट्स से आप 400 हंड्रेड निट्स की ब्राइटनेस दे रहे हैं अपने सक्सेसर के अंदर बट दे हैव अ प्रॉपर जस्टिफिकेशन द कलर्स आर बेटर रिप्रोड्यूस्ड इसलिए ए टी जे इज अ फार बेटर टीवी अकॉर्डिंग टू मी और आप एटीजे लेके कोई गलती नहीं करेंगे और अगर आपका एट थाउजेंड एच के अंदर ज्यादा मन है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है आप इसे जरूर चेक करिए मेरी टीवी की रेकमेंडेड लिस्ट के अलावा आपको एक और लिस्ट मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वो होगी आने वाली सेल की डील्स की लिस्ट उसे जरूर डाउनलोड करिएगा क्योंकि उसके अंदर आपको वो सारी डील्स मिलेंगी जिसके ऊपर आपकी अटेंशन जानी चाहिए और एक भी वो डील नहीं मिलेगी जो आपको स्पॉन्सर्ड कॉन्टेंट दिखाता है क्योंकि इस चैनल पे आपको किसी टाइप का स्पॉन्सर्ड कंटेंट मिलता ही नहीं है दोस्तों अपनी पूरी सूझबूझ और समझ से मैंने आपको बेस्ट रिकमेंडेशन करने की कोशिश करी है इस वीडियो के अंदर और मुझे लगता है कि आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने लिए एक बेस्ट टीवी खरीद पाएंगे अपने बजट में और आपका यह सवाल भी हो सकता है कि मैंने इस वीडियो के अंदर कई ब्रांड के टीवी को इंक्लूड ही नहीं किया उसका कारण यह है कि मैं उन्हें रिकमेंड ही नहीं करता मैंने उनके अफिलियट लिंक्स भी आपको कहीं भी नहीं दिए इसका कारण सिर्फ यही है कि मैं चाहता हूं कि आप उन टीवी से बेटर टीवी खरीदें जिनके लिंक्स मैंने आपको ऑलरेडी अपनी टीवी की रेकमेंडेड लिस्ट में दिए हैं और उसमें आपको वो सारे टीवी मिलेंगे जो मैं रेकमेंड करता हूं एक भी वो टीवी नहीं मिलेगा जो मैं रेकमेंड नहीं करता आपकी हेल्प हम हमेशा से अप्रिशिएट करते आए हैं इस बार भी बहुत ज्यादा करेंगे आप चाहे आज खरीदें चाहे सेल के दौरान प्लीज हमारी टीवी की रेकमेंडेड लिस्ट को डाउनलोड करें और उसे यूज करें जब भी जरूरत हो और कैसा लगा है आपको यह वीडियो बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में और अगर आपका कोई क्वेश्चन है टीवी से रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड तो लिखिएगा जरूर कमेंट सेक्शन में मैं उसका जवाब जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश करूंगा और जैसा आपने वीडियो अभी देखा वैसा ही मैं फिफ्टी फाइव इंच का भी एक और वीडियो बना रहा हूं और जैसे ही वो बन जाएगा उसका लिंक आपको यहां पर देखने को मिलेगा उसे भी जरूर देखिएगा और मैं आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी थैंक यू वेरी मच